डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने मैट्रिसेस में लास्ट टर्न पर या लास्ट वीडियो में जो देखा है उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि सेट ऑफ वेक्टर्स कब लीनियरली डिपेंडेंट होंगे और किन कंडीशंस के अंतर्गत उस सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। यदि सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो रहे हैं देन व्हाट मे बी द रिलेशन बिटवीन देम। ये भी आपने देखा था कि अगर सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो उनके बीच क्या रिलेशन स्टेब्लिश हो रहा है, वह भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। आज थोड़े से उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता क्या है उसको समझें। तो यहाँ पे मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपको दी गई है और उस मैट्रिक्स का आर्डर है n क्रॉस n, मतलब n क्रॉस n आर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली गई A, और इसी के करस्पॉन्डिंग एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं वह भी आप जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे बशर्ते लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट्स वन हों और रिमेनिंग सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो। तो यह जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वह भी n क्रॉस n आर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब कहा इसमें एक नॉन जीरो स्केलर से एक मैट्रिक्स कंसीडर किया गया स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n आर्डर का, उसके पैरेलल एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली गई n क्रॉस n आर्डर मतलब सेम ऑर्डर का। अब कहा इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यदि हम एक नॉन जीरो स्केलर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें तो लैम्डा और उसमें इस रिजल्टेंट को इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए में से सब्ट्रैक्ट करें और इसका डिटर्मिनेंट ले लें। ये लिखा गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स जीरो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स जीरो को जब आप सॉल्व करेंगे तो यह एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन देगा और वह जो इक्वेशन आएगा वह अननोन लैम्डा के टर्म में आएगा and this equation is known as characteristic equation. For example, मान लीजिए कोई एक matrix आपको दिया गया है A equals 1, 2, 2, 1, एक 2 cross 2 का देखेंगे ये एक square matrix ले लिया गया। अब आपसे कहा गया कि इसके parallel एक दूसरा identity matrix आपको consider करना है जो कि same order का हो, तो सेम ऑर्डर इसका मतलब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेंगे। तो क्या 1, 0, 0, 1, आप कहते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे बशर्ते कि लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हो, रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0। ये हो गया। अब कहा जाए डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई किया जाए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई करेंगे तो पहले हम ए माइनस लैम्डा आई करते हैं, देखते हैं ए माइनस लैम्डा आई क्या होगा। तो एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा आसानी से रूल देख लीजिए, आपको पता भी है, माइनस लैम्डा लिख दिया, आई लिख दिया, आई इज 1, 0, 0। ये देखिए जो ए था दिया गया वो लिख लिया गया, जो लैम्डा है वो लिख लिया गया और आई जो आपने कंसीडर किया वो लिख लिया, ए माइनस लैम्डा आई हो गया। अब आपको लैम्डा से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है तो स्केलर से मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये भी मालूम है कि रूल क्या है। रूल आपसे ये कहता है कि उसके प्रत्येक एंट्री में इस स्केलर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो लैम्डा से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा आएगा, लैम्डा से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, लैम्डा से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और लैम्डा से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा आएगा। ये हो गया आपका। अब दो मैट्रिक्स का एडिशन
या दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो भी आपको पता है कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए या किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के को सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो यही है कि दोनों सेम ऑर्डर के हों। तो देखेंगे ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है 2x2 की और ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। और सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से दूसरे मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं। तो पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट 1 और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट लैम्डा है तो जाएगा 1 - λ बिकॉज हियर इज माइनस, फिर 2 - 0 दैट इज 2, 2 - 0 दैट इज 2 एंड 1 इट इज 1 - λ, इतना आ गया, क्लियर। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब ये तो हो गया आपका मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा, आपको चाहिए क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा। डिटर्मिनेंट के लिए आपने लिख दिया 1 - λ, 2 और ये हो गया 1 - λ, ओके। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - λ × 1 - λ ये बन गया आपका, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 आएगा तो -2 × 2 ये हो गया 4 हो गया का, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो हो गया 1 - λ का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है वो आपको मालूम है तो जाएगा 1 - λ + λ² ओके। -4 सिंप्लीफाई कर दें तो हो जाएगा λ² फिर हो जाएगा -2λ इट्स ओके, -4 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। ये जो आपको मिला डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स λ² - 2λ + 3 वह देखेंगे तो वह लैम्डा के लिए एक पॉलिनामियल इक्वेशन बन गया। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स 0 जो दे रहा है वह एक पॉलिनामियल इक्वेशन बहुपदीय व्यंजक है, किसमें, लैम्डा के लिए पहली चीज। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई गिव्स एन इक्वेशन इन लैम्डा एंड दैट विल बी ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन लैम्डा। अब अगर आपका दिया गया मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का होगा तो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको मिलेगा वह सेकंड ऑर्डर का एक इक्वेशन होगा। अगर दिया गया मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का होगा तो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको मिलेगा इन लैम्डा वह क्यूबिक इक्वेशन इन लैम्डा होगा। अगर दिया गया मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स 4x4 ऑर्डर का होगा तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा इन लैम्डा दैट विल बी क्वाड्रेटिक इन लैम्डा। इसी कारण अगर यह दिया गया मैट्रिक्स n x n ऑर्डर का है तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो एक अलजेब्रिक इक्वेशन इन लैम्डा होगा और वह अलजेब्रिक इक्वेशन इन लैम्डा जो होगा वह nth डिग्री का इक्वेशन इन लैम्डा होगा, nth डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन इन लैम्डा होगा, ये आपको समझना है। तो यहाँ एक डेफिनेशन दिया गया कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n x n एंड लैम्डा बी एन अननोन स्केलर इट मीन्स आगे चलकर कहीं ना कहीं अननोन को नोन बनाना होगा का, देन एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा, एक्सपेंशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट गिव्स एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन लैम्डा एंड दैट इक्वेशन इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए, और यू मे से दैट इक्वेशन इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर के हम कैसे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा बनाते हैं आपके सामने कर दिया गया।
दूसरा कहा गया कि जब इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन को, जो कि दिए गए मैट्रिक्स, अगर आपसे कहा गया अगर दिया गया मैट्रिक्स एन क्रॉस एन ऑर्डर का है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन इन लैम्डा मिलेगा वह एनथ ऑर्डर का होगा। थ्री क्रॉस थ्री का है तो क्यूबिक इक्वेशन होगा, टू क्रॉस टू का है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है कि जितने ऑर्डर का पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी उतने ही ऑर्डर का एक अलजेब्रिक इक्वेशन इन लैम्डा होगा, तो आप यह भी जानते हैं, बीजगणित का मूलभूत सिद्धांत फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा आप जानते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन हैज एग्जैक्टली एन रूट्स। कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी बहुपदीय व्यंजक जितने घात का होता है उसके उतने मूल होते हैं। अगर सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा तो उसके टू रूट्स मिलेंगे, थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा तो थ्री रूट्स मिलेंगे, फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा फोर रूट्स मिलेंगे। तो ऑब्वियसली आपको यही समझाया जा रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स जीरो को जब हम सॉल्व करेंगे तो आप एक पॉलिनोमियल इक्वेशन, एक अलजेब्रिक इक्वेशन इन लैम्डा देगा, और वह अलजेब्रिक इक्वेशन जितने ऑर्डर का दिया गया मैट्रिक्स होगा उतने ही डिग्री का वह पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा। अगर यह एन क्रॉस एन ऑर्डर का है तो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा लैम्डा के लिए वह एनथ ऑर्डर का, मतलब एनथ डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा। एग्जाम्पल में आपके सामने टू क्रॉस टू ऑर्डर का एक इक्वेशन मैट्रिक्स लिया गया और इस मैट्रिक्स का एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाला गया, और जब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपने निकाला तो देखें सेकंड डिग्री का अलजेब्रिक इक्वेशन इन लैम्डा मिला है। और आप यह भी कह रहे हैं कि बीजगणित का जो मूलभूत सिद्धांत की बात आप कर रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, तो आप यह भी कहते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन हैज एग्जैक्टली एन रूट्स। कोई भी बहुपदीय व्यंजक जितने घात का होता है उसके उतने ही मूल होते हैं, उसके उतने ही रूट्स मिलते हैं, न ज्यादा और न कम। तो ऑब्वियसली अगर ये सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन और उनमें से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल रहा है तो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इसके कितने रूट्स मिलने चाहिए, जवाब है टू। अगर थ्री क्रॉस थ्री का होगा तो कितने रूट्स मिलने चाहिए, तो जवाब होगा थ्री। तो यहां से सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन दो रूट्स मिलेंगे। तो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो रूट्स मिलते हैं उन रूट्स को हम नाम क्या दे देते हैं, पहला नाम उसे बोलते हैं, कुछ लोग कैरेक्टरिस्टिक रूट कहते हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व किया तो कैरेक्टरिस्टिक रूट कहलाया एक नाम देने का। इसी कैरेक्टरिस्टिक रूट को हम आइगन रूट्स भी, आइगन वैल्यूज भी बोलते हैं, कोई अलग चीज नहीं है, आइगन वैल्यूज या आइगन रूट्स भी बोलते हैं। इसी को एक और नाम देते हैं, कहते हैं दैट इज आल्सो नोन एज लेटेंट रूट्स। तो आपसे कहा जाए फाइंड द लेटेंट रूट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। भले ही नाम बदल गए लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका एक ही है कि पहले उस दिए गए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करिए, मतलब उसका डिटर्मिनेंट बनाइए, और डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व करने पर जो इक्वेशन मिलेगा वही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा, और वह उतने ही डिग्री का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा जितने ऑर्डर का दिया गया मैट्रिक्स होगा। अब फैक्टर करने आता है, गुणनखंड करने, क्लास 9th 10th में आपने पढ़ा होगा, 7th 8th में भी पढ़ा है। तो अगर फैक्टर करने आता है तो आप रूट निकाल लेंगे तो दिए गए इक्वेशन का आपको कैरेक्टरिस्टिक रूट मिल जाएगा। तो सी हियर द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर लेटेंट रूट्स आर आइगन वैल्यूज, जो भी नाम आप दें। फिर कहा गया द करस्पॉन्डिंग नॉन जीरो वैक्टर एक्स इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक आइगन वैक्टर्स। अब कैरेक्टरिस्टिक आइगन वेक्टर निकालने के लिए
आप इसको इस मैट्रिक्स को आप सॉल्व कर देते हैं, ए माइनस लैम्डा इन टू यक्स इक्वल्स जीरो। तो यक्स के लिए आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो कहा गया दैट इज नोन एज करेक्टरिस्टिक आइगन वैक्टर्स। फिर एक रिमार्क लिखा गया, बहुत सारे रिमार्क आपके सामने आएंगे, कि द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब सवाल सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए, तो आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ए का मतलब क्या गिवन मैट्रिक्स, वो मिलेगा कैसे, जब आप फैक्टर करेंगे सेकेंड डिग्री का तो दो रूट्स आपको मिलेंगे। लेकिन कहा जाए दैट विल बी इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, और ट्रेस किसी मैट्रिक्स का क्या होता है, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस कुछ और नहीं है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यहां देखिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 1 है, तो इसका सम क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब हुआ कि द सम ऑफ आइगन वैल्यू, अगर इसको हम फैक्टराइज करें तो इसका जो आइगन वैल्यूज मिलेगा उसका सम व ट्रेस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स के सम के इक्वल होगा। यह एक आइडिया है आपको, एक रिमार्क इसलिए इसे कहा गया है ताकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो जो आइगन वैल्यूज आपको मिले, जो कैरेक्टरिस्टिक रूट आपको मिले, उनका सम करके देख लीजिए और जो दिया गया मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम करके मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स निकाल लीजिए। अगर दोनों का सम इक्वल आ रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ तक की डिस्टेंस आपने कायदे से तय की है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आपने कहीं ना कहीं प्लस माइनस या कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ किया है, उसको रीचेक करें, अब नंबर मिलने वाला नहीं। देखा जाए जरा से इसको, समझा जाए। फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, एक क्वेश्चन ले लिया, ए इक्वल्स 1 0 4 0 2 0 3 1 -3, ये क्वेश्चन है। फाइंड द आइगन वैल्यूज, और ऑब्वियसली आपको पता है कि आइगन वैल्यूज पाने के लिए सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना होगा, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या पाना होगा, ए माइनस लैम्डा आई। तो ए तो हमारे पास है, देख लें सिंपली समझें, का हियर ए इक्वल्स 1 0 4 0 2 0 3 1 -3, किस ऑर्डर का है, तो चूंकि इस मैट्रिक्स में 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं तो इसका मतलब 3x3 की या 3x3 की या मैट्रिक्स हो गई। इसके पैरेलल जो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने से कंसीडर करेंगे वह भी किस ऑर्डर की होगी, सेम ऑर्डर की, मतलब 3x3 की। तो आप यह भी जानते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, शर्त उसके साथ एक ही होती है कि उसके लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हों और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हों, 0 हों, या 3x3 ऑर्डर की या थर्ड ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अब आपको क्या चाहिए, ए माइनस लैम्डा आई चाहिए। नाउ ए माइनस लैम्डा आई, ए आपके सामने है 1 0 4 0 2 0 3 1 -3, ये लिख दिया, माइनस लैम्डा आई, आई लिख दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सिंप्लीफिकेशन करने भी आपको आता है, आप इसको लिख सकते हैं 1 0 4 0 2 0 3 1 -3, माइनस लैम्डा से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एंट्री में लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा, प्रत्येक एंट्री कुल कितनी एंट्रीज है, 9, तो इन 9 एंट्रीज में के हर एक एंट्री में लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, यह आ गया आपका।
मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आप जान रहे हैं कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का एडिशन या किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन उसी कंडीशन में पॉसिबल है जब दोनों के दोनों सेम ऑर्डर के हों। तो चूंकि यह भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यह भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और रूल्स क्या है वो भी आपको पता है कि पहले मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से ही दूसरे मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही सब्ट्रैक्ट करें। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब संगत, संगत का मतलब पहले मैट्रिक्स से अगर पहला एलिमेंट लेंगे तो दूसरे मैट्रिक्स का भी पहला लेंगे, पहले मैट्रिक्स का अगर फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट लेंगे तो दूसरे मैट्रिक्स के भी फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट लेंगे। तो वन में से लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 1 - लैम्डा, जीरो में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो आएगा, 4 में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, जीरो में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो, 2 में से लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - लैम्डा, जीरो में से जीरो को सब्ट्रैक्ट किया जीरो, फिर 3 में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 1 में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और -3 में से लैम्डा, -3 में से लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करना, तो बीच में साइन क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन का माइनस, ये हो गया आपका। अब आप इतना लंबा कैलकुलेशन दो बार कर चुके हैं, एक बार यहां आपको समझाया ये तो प्रॉब्लम लेके, यहां एक एग्जांपल लेके समझाया, ये 2x2 का था और ये 3x3 का है। शायद इतना लंबा कैलकुलेशन आप अगर समझ रहे हैं तो अगली बार आपको ना करना पड़े। ए माइनस लैम्डा आई का सीधा मीनिंग मिल रहा है कि देखें यहां पर देखें ए माइनस लैम्डा आई और यहां पे भी देखें ए माइनस लैम्डा आई, लग रहा है कि जो ए दिया गया है उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं उसी में से सीधे लैम्डा को निकाल दो, जो आ रहा वही आपका ए माइनस लैम्डा आई है। देखिए 1 - लैम्डा, 2 - लैम्डा, -3 - लैम्डा, मतलब अगली बार से ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ भी देखिए ए माइनस लैम्डा है तो जो ए दिया गया था उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स में से लैम्डा सब, तो इतना सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब ये तो आपने लिख लिया ए माइनस लैम्डा, आपको चाहिए क्या, हमको तो चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन करना हो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा, इतना तो आप कैलकुलेट कर चुके हैं, खाली आगे पीछे क्या लगा देना है, एक एक बॉडीगार्ड लगा देना है, इस बॉडीगार्ड को चेंज करना है आपको, का दैट इज का अब क्या होगा, इसको लिखा जाए 1 - लैम्डा आई 0 - 4, फिर हो गया 0 - 2 - लैम्डा 0, फिर क्या हो गया 3 - 1, और ये हो गया -3 - लैम्डा इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए ये डिटर्मिनेंट, जब वर्टिकल लाइन सीधी सीधी लाइन लगी हुई है तो आप इसे डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, और जब थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है, स्क्वायर ब्रैकेट के टाइप का बना दिया गया बड़ा कोष्ठक जैसा, तो आप इसे मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहना होगा। ये हमने मैट्रिक्स का कैलकुलेशन किया था लेकिन हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, तो ए माइनस लैम्डा आई आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, और चूंकि डिटर्मिनेंट आपको बोला जा रहा है ए माइनस लैम्डा आई, तो ए माइनस लैम्डा आई क्या एक मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का क्या डिटर्मिनेंट, तो ये लाइन आपने हटाया और सीधे क्या लगा दिया वर्टिकल लाइन, बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। अब इंटरमीडिएट में डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते थे ये भी आप जानते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, ये ले लिया 1 - लैम्डा, देखिएगा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब 1 - लैम्डा आपने कंसीडर कर लिया तो वर्टिकली इसे कैंसिल कर दीजिए और हॉरिजॉन्टली, जिसमें 1 - लैम्डा आई है आपको मालूम है, फिर से मैं बता रहा हूँ, 1 - लैम्डा पहला एलिमेंट लिखा आपने, अब इसको वर्टिकली कैंसिल कर दिया, वर्टिकली कैंसिल करेंगे तो 1 - लैम्डा तो गया ही गया, 0 भी गया 3 भी गया, और हॉरिजॉन्टली पृथ्वी के समानांतर जब कैंसिल करेंगे तो 1 - लैम्डा भी गया 0 भी गया 4 भी गया, ये सब चले गए। अब इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे और इसका इसमें करेंगे तो 2 - लैम्डा और दूसरा क्या हो गया -3 - लैम्डा, फिर 1 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या आएगा, जीरो और बीच में साइन क्या हो जाता है, माइनस, अगर याद आए। फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट लेंगे, अब पहला एलिमेंट ले चुके, अब सेकंड ले लेंगे, तो सेकंड लेंगे, सेकंड क्या हो गया, जीरो, ये हो गया। अब जीरो लिखना चाहे तो लिख लें, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे सब कुछ क्या आ जाएगा, जीरो। लेकिन इसको भी वर्टिकली कैंसिल करेंगे और हॉरिजॉन्टली कैंसिल, तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा क्या आएगा, जीरो, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा क्या आएगा, जीरो, और बीच में साइन क्या हो जाएगा, जीरो। ये आपके समझने के लिए लिख दिया। फिर प्लस माइनस फिर क्या, प्लस, तो प्लस लिखा फोर। देखिएगा ध्यान से, पहला एलिमेंट प्लस, दूसरा एलिमेंट लिया माइनस, तीसरा एलिमेंट लिया प्लस, इस तरीके से कहां से स्टार्टिंग करते हैं, प्लस से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से हम लोग चलते हैं। फोर हो गया। अब आते हैं, फोर जब कंसीडर कर लिया तो फिर इसको वर्टिकली कंसीडर करिए और फिर हॉरिजॉन्टली कैंसिल करिए। तो वर्टिकली कैंसिल किया तो ये सारे एलिमेंट गए, हॉरिजॉन्टली कैंसिल किया तो ये सारे एलिमेंट गए। अब पहले इसके जीरो से वन में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या गया, जीरो, फिर साइन क्या लगाएंगे, माइनस। अब थ्री से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा थ्री इंटू टू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए, सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा वन माइनस लैम्डा, ऐसे ही रहने दीजिए। मल्टीप्लीकेशन सीखे पहले टू से इन दोनों में मल्टीप्लाई करें तो टू से माइनस थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स आएगा, माइनस सिक्स हो गया। टू से माइनस लैम्डा में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू लैम्डा हो गया। माइनस लैम्डा से माइनस थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। लैम्डा से थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा थ्री या थ्री लैम्डा लिख दिया, बेहतर ढंग से लिखिए। माइनस लैम्डा से माइनस लैम्डा तो माइनस और माइनस का प्रोडक्ट क्या होता है, प्लस, और लैम्डा से लैम्डा में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर। इतना आ गया, आसान है। ये तो सब क्या हो गया, जीरो हो गया, प्लस फोर, ये तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे, अभी फोर ऐसे रहने दीजिए, स्टेप बाय स्टेप करके माइनस थ्री से टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स हो जाएगा, माइनस थ्री से माइनस लैम्डा में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस थ्री लैम्डा हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। फिर अब ये लिख दिया वन माइनस लैम्डा, इसको फिर देखा जाए। अब थोड़ा सा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दीजिए, लैम्डा के घातों को घटते हुए क्रम में। तो पहले लैम्डा का सबसे ज़्यादा पावर यह है टू, उसके बाद उससे कम घात वन, लेकिन माइनस टू लैम्डा प्लस थ्री लैम्डा कितना हो जाएगा, प्लस लैम्डा, और ये क्या बचा, माइनस सिक्स। फिर प्लस, फोर से माइनस सिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ट्वेंटी फोर, और फोर से प्लस थ्री लैम्डा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, ट्वेल्व लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। अभी आप वन से इस पूरे में गुणा करें तो वन से पूरे में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस सिक्स, माइनस लैम्डा से लैम्डा स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस लैम्डा क्यू, माइनस लैम्डा से प्लस में तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, सजातीय सजातीय प्लस होते हैं और सजातीय विजातीय क्या होते हैं, माइनस। तो ये माइनस और ये प्लस, तो एक जाति का ये दूसरी जाति का तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो लैम्डा से लैम्डा में मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर। अब ये माइनस ये भी माइनस, दोनों सेम, और दोनों सेम है तो क्या होंगे, प्लस, और ये हो जाएगा आपका सिक्स लैम्डा। इतना आ गया, क्लियर। अब ये हो गया प्लस माइनस, फिर यहाँ विपरीत, विपरीत है तो क्या होगा, माइनस ट्वेंटी फोर, यहाँ सेम तो क्या होंगे, प्लस, ये हो गया आपका ट्वेल्व लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। अब इनको अरेंज करिए, फिर अरेंज करिए, व्यवस्थित ढंग से रखिए। व्यवस्थित ढंग से रखने के बाद या तो लैम्डा के पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में डालिए या तो लैम्डा के पावर को असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लोग किस में करने जा रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या आएगा, माइनस लैम्डा क्यूब, घटते हुए क्रम में, तो यहाँ माइनस लैम्डा क्यूब। अब इससे कम का क्रम कौन आएगा, लैम्डा स्क्वायर, तो यहाँ भी लैम्डा स्क्वायर, यहाँ भी लैम्डा स्क्वायर है, ये प्लस लैम्डा स्क्वायर है, ये माइनस लैम्डा स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। चलो भाई ये दोनों लोग कैंसिल हो गए। अब क्या बचा आपके सामने, प्लस लैम्डा प्लस सिक्स लैम्डा, कुल मिला के कितना हो गया, प्लस सेवन लैम्डा हो गया। ये भी हो गया आपका, नहीं, यहाँ प्लस लैम्डा, यहाँ प्लस सिक्स लैम्डा, यहाँ प्लस ट्वेल्व लैम्डा, तो सब प्लस 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 है, तो सबको ऐड कर ले, 12 और 6 18, और यहाँ कितना हो गया, 19, तो हो गया 19 लैम्डा। फिर कितना आ जाएगा, माइनस सिक्स और माइनस 24, जिसके साथ कोई लैम्डा नहीं, इन सबको एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 30 इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि झगड़ा फसाद पहले नहीं चाहिए तो माइनस को हटाया जाए, माइनस को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा क्यूब माइनस लाइनस 19 लैम्डा, फिर क्या आ जाएगा, प्लस 30 इज इक्वल टू जीरो।
अब देखिए आपके सामने जो यह इक्वेशन मिला, इसको हम लोगों ने कहा दिया इक्वेशन नंबर है, और कहा व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन इन लैम्डा। यह आप कह सकते हैं इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन इन लैम्डा। तो आपको यह कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको मिल गया। आपको समझाया भी गया था कि दिया गया मैट्रिक्स जितने ऑर्डर का होगा उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो उसी ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो मिल गया क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर का दिया गया मैट्रिक्स था, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है लैम्डा आता है कितनी घात का होना चाहिए था, 3 घात का। तो देखिए लैम्डा के लिए 3 घात का ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको मिल गया। लेकिन यहां कहा गया आइगन वैल्यू, मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, कैरेक्टरिस्टिक रूट। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट पाने के लिए इसको हमें फैक्टराइज करना होगा, और फैक्टर करना मेरे समझ से आपको आता ही होगा, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा रिमाइंडर थियरम शेषफल प्रमेय। तो चलिए जरा सा उस पर भी बात हम लोग करते हैं, शेषफल प्रमेय पे। ये आपका है a माइनस लैम्डा है, ठीक। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इसका रूट निकालने के लिए आपको याद दिलाते हैं क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया होगा, 9th-10th में, कि इस तरीके की इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। लास्ट में जो न्यूमेरिक नंबर्स लिखा हुआ लास्ट में, लास्ट टर्म यहाँ देखिए, यह फुल्ली न्यूमेरिक नहीं है, इसके साथ अलजेब्रिक नंबर लैम्डा है, यहाँ न्यूमेरिक के साथ साथ अलजेब्रिक नंबर है, इसलिए प्योरली यह न्यूमेरिक नंबर नहीं, लेकिन यह क्या है आपका न्यूमेरिक नंबर, अंकीय संख्या सब। तो यहाँ पहले हम 30 का फैक्टर देखते हैं, तो 30 के मल्टीपुल क्या क्या हो सकते हैं, नंबर 1 31 से डिविजिबल हो सकता है, नंबर 2 30 आपका 2 से डिविजिबल हो सकता है, नंबर 3 30 आपका 3 से, 3×10^30 होता है, 3 से डिविजिबल हो सकता है, 4 से डिविजिबल नहीं है, 5 से हो सकता है, 5×6=30 ये हो गया, फिर 6×5=30, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से 10 होगा, फिर आपका 15 होगा, फिर आपका 30 होगा, इतने सारे इसके डिविजिबल नंबर आपको मिल गए। अब इन सबके साथ हम प्लस माइनस ले लेते हैं, प्लस माइनस 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 इस तरीके से कंसीडर कर ली। अब देखना होगा कि उसमें से कौन सी संख्या हम यहां पर रखें जो इसे सेटिस्फाई कर दे। तो अगर हम पहले 1 लेते हैं प्लस 1, तो लैम्डा की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 का क्यूब, मतलब 1, यहां लैम्डा की जगह 1 रखेंगे तो 19 से 1 में गुणा करेंगे तो 19 ही आएगा, और फिर यह हो गया प्लस 30, ये प्लस 30 इज इक्वल टू 0, कभी भी यह 0 होने वाला नहीं है क्योंकि 30 और 1 मिलकर के 31 हो जाएगा, और 31 में से 19 घटाएंगे 0 तो आने वाला नहीं है, इसके अंदर लैम्डा इक्वल्स 1 इसे सेटिस्फाई संतुष्ट नहीं कर रहा है, लैम्डा इक्वल्स 1 इसका रूट नहीं। अब लैम्डा इक्वल्स अगर माइनस 1 लें तो लैम्डा इक्वल्स माइनस 1 लेंगे तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 आ जाएगा, यहां लैम्डा की जगह माइनस 1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 19 हो जाएगा, ये क्या हो गया प्लस 30 हो गया, इज इक्वल टू 0 होगा क्या, तो ये हो जाएगा 30 और 19 मिलकर 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और 49 में से 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो 48 आएगा, और 48 0 के बराबर होने वाला नहीं है, इसका ना तो लैम्डा इक्वल्स 1 इसका एक रूट है और ना ही लैम्डा इक्वल्स माइनस 1 इसका एक रूट है। तो अब का अब लैम्डा इक्वल्स 2 रख करके देखा जाए, लैम्डा इक्वल्स 2 रखेंगे, लैम्डा की जगह 2 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 का क्यूब ठीक माइनस 19 इंटू 2, जहां जहां लैम्डा उसकी जगह 2 रख रहे हैं, प्लस 30 इज इक्वल टू 0 होगा क्या, ये देखना है। तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, 19 इंटू 2 38 प्लस 30 इज इक्वल टू 0, 30 प्लस 8 38 माइनस 38 इज इक्वल 0, 0 इक्वल्स 0, मतलब लेफ्ट राइट दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए, इसका मतलब लैम्डा इक्वल्स 2 रखने पर यह इक्वेशन पूरी तरह
सेटिस्फाइड हो रहा है, इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू इसका एक रूट है। आने कितने चाहिए? थ्री रूट्स, लेकिन हमको पता चल गया कि लैम्डा इक्वल टू इसका एक रूट है, इसका मतलब बाकी दो रूट और हमको निकालने होंगे। तो आप रिमाइंडर थियरम में करते क्या थे कि जब लैम्डा इक्वल टू इसका एक रूट मिल जाता था तो आप कहते थे इसका मतलब हुआ कि लैम्डा माइनस टू, लैम्डा इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, लैम्डा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, टू को ट्रांसपोज कर लिया, पक्षांतर कर लिया। कहते थे इसका एक फैक्टर है, इसका एक फैक्टर है लेकिन फैक्टर कितने होने चाहिए, तीन, इसका दो फैक्टर और पाने होंगे। तो आपको हम बताते हैं मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, 9th-10th की तरह भाग मत देने लगिएगा। मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन में करते क्या है, पहले पावर्स को देखना शुरू। यहाँ का लैम्डा का पावर कितना है, थ्री, इसका कोफिशियंट, इसका गुणांक कितना है, वन, ये वन लिख लिया। यहाँ देखिए लैम्डे की थ्री की पावर के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में लैम्डा का कितना पावर आना चाहिए, तो टू, तो लैम्डा स्क्वायर तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, लगता है कि लैम्डा स्क्वायर का जो गुणांक था वह शून्य था, इसलिए शून्य से किसी भी संख्या में गुणा करने पर वह शून्य हो जाता है, इसलिए वह जीरो हो गया है, दिख नहीं रहा है। तो हम दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ लिखेंगे कि लैम्डा स्क्वायर का गुणांक क्या था, जीरो था, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर दिख नहीं रहा है। अब उससे कम घात वाला पद कौन सा आएगा, एक घात का, पहले तीन घात फिर दो घात, दो घात वाला दिख नहीं रहा था, इसका मतलब निकाला गया, सोचा गया, समझा गया, तो पता चला उसका गुणांक तो जीरो है इसलिए नहीं दिख रहा है। फिर उससे कम, तो दो घात से कम कितना आएगा, एक घात, यहाँ लैम्डा की घात कितनी है, लैम्डा का पावर कितना, वन, उसका कोफिशियंट कितना है, का -19 का, ये लिखे विथ साइन। फिर अब यहाँ लैम्डा की घात थ्री, फिर लैम्डा की घात दो वाला लिखा गया, फिर लैम्डा की घात एक वाला लिखा गया, यहाँ लैम्डा नहीं है, इसका लैम्डा की घात कितनी थी, जीरो, उसका गुणांक कितना हो गया, 30 दिया गया। अब इसको हम लोग भाग दें किससे, लैम्डा इज इक्वल टू टू, पहले इस वन को सीधे उतार दीजिए, वन उतार, अब टू से वन में मल्टीप्लाई करें, टू से वन में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, टू, जो आया जीरो के नीचे लिखिए, टू लिख दिया। इन दोनों को ऐड कर, सिर्फ ऐड करना, कहीं सब्ट्रैक्ट नहीं करना, टू लिख दिया। अब टू से टू में मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, फोर आएगा, फोर आ गया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -15 आ गया। फिर टू से -15 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, -30, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, ये हो गया आपका। अब यहाँ लैम्डा इक्वल टू कहा था तो इसको लिखेंगे लैम्डा माइनस टू। अब चूंकि डिवीजन कर रहे हैं तो तीन घात का था, किस घात से अब शुरू होगा, दो घात से, तो वन इंटू लैम्डा स्क्वायर, टू इंटू लैम्डा, टू लैम्डा हो गया, -15 इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया आपका मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। मेरे समझ से आसानी समझ में आ गया होगा, नहीं तो अगले लेक्चर में फिर आपको समझा देंगे। तो ये हो गया आपका, इसका मतलब जो आपको ये फैक्टर का प्रोसेस बताया जा रहा था करेक्टरिस्टिक पॉलीनोम, अब इसको फैक्टराइज किया तो आपको मिला लैम्डा माइनस टू, ये आपने लिखा, और लैम्डा स्क्वायर प्लस टू लैम्डा -15 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको भी फैक्टराइज करना है, लैम्डा स्क्वायर प्लस टू लैम्डा -15 इज इक्वल टू जीरो को भी, तो लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस टू लैम्डा -15 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या लैम्डा स्क्वायर 15 से यहाँ वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15, 15 को ऐसा ब्रेक करिए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आ जाए, तो 5 3 जब 15 होता है और 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा 5 -3 इंटू लैम्डा -15। अब इसको लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा -3 लैम्डा -15, इन दोनों में से लैम्डा कॉमन लिया तो आ जाएगा लैम्डा प्लस 5, इन दोनों में से -3 कॉमन लिया तो यहाँ भी आ जाएगा लैम्डा प्लस 5, दोनों में से कॉमन लिया तो लैम्डा प्लस 5 कॉमन हो गया, बचा क्या, लैम्डा -3, तो लैम्डा प्लस 5 और लैम्डा -3 आ गया। तो इसको अब फाइनली जो मिला वो ये मिल गया लैम्डा -2, नेक्स्ट आ गया लैम्डा प्लस 5 और नेक्स्ट आ गया लैम्डा -3 इज इक्वल टू जीरो, ये आ गया आपका, क्लियर। अब यहां से लैम्डा की वैल्यूज निकाला जाए, यहां से कह सकते हैं देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स,
लैम्डा माइनस टू इक्वल्स जीरो करेंगे तो लैम्डा इक्वल्स क्या मिलेगा? टू। लैम्डा माइनस थ्री इक्वल्स जीरो करेंगे तो लैम्डा इक्वल्स क्या मिलेगा? थ्री। और लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस फाइव इक्वल्स जीरो करेंगे तो लैम्डा इक्वल्स क्या मिलेगा? माइनस फाइव। दीज आर नोन एज लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री। दीज आर नोन एज आइगन वैल्यूज आर आइगन रूट्स आर करेक्टेस्ट रूट, यहां लिख दिया, व्हिच आर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर यू में से लेटेंट रूट्स आर यू में से आइगन रूट्स आर आइगन वैल्यूज, कोई एक नाम आप दे सकते हैं ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, दिए गए मैट्रिक्स से रूट। एक रिमार्क आपको बताया गया था कि किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का सम, तो यहां देखिए इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम क्या होगा? दो एक तीन, और तीन में से तीन गया जीरो। और जो उसके रूट्स आएंगे, करेक्टरिस्टिक रूट्स आएंगे, जिसको ट्रेस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स आपने कहा था, ये दोनों इक्वल होंगे। तो सम ऑफ द ट्रेस, सम ऑफ द ट्रेस मतलब इनका सम, तो दो और तीन पांच, और पांच में से पांच निकल जाएगा जीरो। यहां पे दो एक तीन और तीन में से तीन निकल गया जीरो। ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के इक्वल हो गए। इसका अंदर जो आपने रूट्स निकाला है उसमें कहीं भी आपके फैक्टराइजेशन में या आपके कैलकुलेशन में कहीं भी मिस्टेक नहीं है। यहां तक आप समझ सकते हैं कि यहां तक जो आपने दूरी तय की है वो सब सही है। तो अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट टर्न पर बात करेंगे, लेकिन जो बातें करेंगे इसके आगे बात करेंगे, आज हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनामियल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कैसे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनामियल को निकालते हैं, फिर कैसे फैक्टर करके कैरेक्टरिस्टिक रूट को निकालते हैं, अब इन कैरेक्टरिस्टिक रूट के माध्यम से हम कैसे कैरेक्टरिस्टिक आइगन वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, ये अगले टर्न पे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।